दोस्तों अगर आप लोग मार्केट में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने निकले हो ना तो ये वीडियो आपकी काफी मदद कर सकता है क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी कंपनीज के बारे में बात करी, ओल इलेक्ट्रिक से लेके एथर एनर्जी, हीरो की मोटोकॉर्प, विडा, बजाज, और हाँ वीडियो को एंड तक देखना, यहाँ पर मैंने बात करी इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेकर भी, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आप जो स्कूटर अगर आप लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा रेंज सबसे कम प्राइस में देखने को मिले, तो यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक है जिसके स्कूटर देखा तो जेन 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए। और हाँ यहाँ पुराने स्कूटर में जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी कई सारी चीजों को जनरेशन 3 में फिक्स कर दिया गया जिसके अंदर आपको S1X देखने को मिलती 2.2 2 किलोवाट आवर वाले मॉडल में, फिर 3 किलोवाट आवर और फिर 4 किलोवाट आवर वाले मॉडल में। और देखा तो सिंपल सी बात है कि S1X के अंदर इन्होंने अब पहले हब मोटर आती थी जिसके अंदर इश्यूज होते थे वो भी फिक्स करके अब चेन ड्राइव मोटर दे दिया। इवन देखा जाए तो यहाँ पे रेंज भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है और अंडर 1 लाख में आपको ओला S1X के 2 किलोवाट और 3 किलोवाट आवर वर्जन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि प्रॉब्लम इधर ये कि यहाँ पे आपको वैसी अच्छी बिल्ड नहीं देखने को मिलती और S1X में अभी भी ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं जो इतने ज्यादा एफिशिएंट दिखते नहीं है, लेकिन स्पीड और रेंज इसमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और इवन 2 किलोवाट आवर वाले मॉडल में भी ये लोग 108 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं IDC की। लेकिन हाँ एक बात बता देना चाहता हूँ, ये IDC रेंज है, रियलिस्टिक रेंज यहाँ पे 25% अप कम कर दे तो 60-70 किलोमीटर के अराउंडिंग यहाँ देखने को मिलेंगी बेस मॉडल में। इसके बाद बात करें तो S1X+ आती है, इसमें डिस्क ब्रेक डाले गए, थोड़ा सा उसे बेटर किया गया तो वो 4 किलोवाट आवर के साथ आती है और वहाँ पे 242 किलोमीटर की IDC रेंज बोली गई है, लेकिन रियलिस्टिक रेंज इसकी 75-70% रहेगी तो अराउंड 180-190 किलोमीटर आप इससे इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो देखा जाए तो अपने प्राइस पॉइंट पे एक हाई रेंज वाला स्कूटर यहाँ पे निकल जाता है। और वहीं बात करें जो लोगों के लिए जो प्रो वर्जन आता है S1 Pro का 3 किलोवाट आवर, S1 Pro का 4 किलोवाट आवर और S1 Pro Plus आती है, उसका क्या? देखो वहां पे फीचर्स को इंक्रीज किया गया है, वहां पे अभी भी कोई चाबी नहीं आती, पूरा टच स्क्रीन देखने को मिलता है। हालांकि फीचर्स काफी ज्यादा एडवांस हो चुके, काफी ज्यादा बेटर हो चुके हैं, आपको क्रूज कंट्रोल, ब्रेक बाय वायर, एडवांस रीजन, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और अभी भी देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से सबसे ज्यादा फीचर ओला के S1 Pro में देखने को मिलते हैं। और वहीं बात करें S1 Pro Plus की तो वो काफी ज्यादा एडवांस है, अप टू 141 किलोमीटर पर आर की हाई स्पीड देती है, हाइपर मोड भी आता है उसके अंदर और सभी चीज आती है। हालांकि एक लोगों का एक सवाल रहता है, जो भारत 4680 सेल है ये ओला S1 Pro Plus के सिर्फ 5.3 किलोवाट आवर वाले वर्जन में ही दिया गया है, बाकी वर्जन में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हाँ प्रोडक्ट के साथ बात करें और ओवरऑल एडवांसमेंट बात करें तो जेन 3 प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा सही है, स्टेबल है और लंबे समय तक अगर आप इसे लेना चाहते तो ले सकते हो। फीचर्स भी इसके ऐसे जिसे अगर आप यूज करना चाहें तो काफी अच्छा एडवांस फीचर देखने को मिल सकते हैं। तो ये कहानी होती है ओला के S1 लाइनअप की जो आपको अभी देखने को मिल रही है। इधर बाइक के बारे में इसकी जो रोडस्टर आई ना उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मार्केट में एक ऐसी कंपनी जो सबसे ज्यादा रिलायबल प्रोडक्ट बनाती है वो कौन सी है, और वो आती है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी के प्रोडक्ट काफी ज्यादा रिलायबल होते हैं, काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं और एक अच्छी बात है कि एथर एनर्जी जो चीज प्रॉमिस करती है वो चीज आपकी डिलीवर करती है, सड़क पे लेकर आती है। और एथर के से दो प्रोडक्ट लाइनअप देखने को मिलती है, एक 450 और एथर की रिस्टा। रिस्टा देखा तो उनका एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर है जिसके अंदर बूट स्पेस काफी बड़ा है, ये थोड़ा सा बल्की लग सकता है देखने में, लेकिन हाँ एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर है, कोई ज्यादा हाई परफॉर्मेंस नहीं है, सीट इसकी काफी ज्यादा बड़ी है और एक एंजॉय राइडिंग के लिए बनाया गया। और सिटी में अगर आप इसे लेना चाहते तो एथर रिस्टा जो 2.9 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आता है उसे आप ले सकते हैं। इसके अंदर कोई टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलता, सेगमेंटेड LED डिस्प्ले देखने को मिलता है और ओवरऑल एक नो नॉनसेंस स्कूटर चाहिए जिसके अंदर ज्यादा फीचर नहीं हो, बेसिक काम आपके करे और एक चाबी लगाते ही स्टार्ट हो जाए और ए पॉइंट से बी पॉइंट चले जाए। एथर रिस्टा काफी सही है, स्टेबल है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है और यहाँ पर आपको 123 किलोमीटर की IDC रेंज प्रोवाइड करता है, रियलिस्टिक रेंज इसकी आपको 105 किलोमीटर तक मिल सकती है, तो वो एक काफी अच्छी चीज है। इसके बाद एथर ने अपनी रिस्टा Z निकाल ली है जिसके अंदर आपको 2.9 किलोवाट आवर और 3.7 किलोवाट आवर मिलता है। यहाँ पे आपको इन तीनों कलर देखने को मिलेगी और हाँ रिस्टा Z के अंदर उन्होंने हाल ही में सबसे अच्छी बात इधर ये करी कि यहाँ पे उन्होंने अपडेट से जो नॉन टच स्क्रीन थी अब उसको टच स्क्रीन यहाँ पे बना दिया है और लोग इसके अंदर टच का यहाँ पे यूज कर पाएंगे, तो ये एक अच्छा फीचर है जो पुराने रिस्टा के Z यूजर थे उन्हें भी देखने को मिलेगा। रेंज इसके अंदर इंप्रूव हुई है और देखा जाए तो काफी सारी चीजें वही देखने को मिलती है, लेकिन हाँ जो एडवांस और स्मार्ट फीचर्स होते हैं काफी कमाल के। मैजिक ट्विस्टिंग का काफी अच्छा फीचर है, जो आप एक्सीलेटर को आगे की तरफ करें तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो एक अच्छी चीज है। यहाँ तक कि ऑटो होल्ड वो काफी अच्छा फीचर उन्होंने इंप्लीमेंट किया है। यहाँ तक की बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कई फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। और एथर की अच्छी बात है कि लोग बैटरी के ऊपर वारंटी अच्छे देते हैं जो कि 8
F77 होती है, 8 ईयर्स तक की वारंटी लोग प्रोवाइड करते हैं विद 70% बैटरी हेल्थ के ऊपर, और इवन ये लोग आपको डीप डिस्चार्जिंग की प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो यार ये कुछ अच्छी चीज़ है जो एथर यहाँ पे प्रोवाइड करता है वारंटी के अंदर। सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है और ओवरऑल लोगों को एक स्टेबल और काफ़ी अच्छा रिलायबल प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल कर देता है जो मास मार्केट के लिए टोटली यहाँ पे सूटेबल है। और हाँ, एथर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसके एक्सपीरियंस सेंटर ज़्यादा नहीं थे, तो अब इन्होंने ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व कर दी और अपना को तेजी से एक्सपेंड किया रिसेंटली। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे एथर ने अच्छी करी। इसके साथ ही एथर में बात करें तो उसका 450 लाइनअप आज भी इनका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर है। रीसेंट वर्जन जो 2025 में आया था उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलता है, नए टायर्स देखने को मिलते हैं, और देखा तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और इसे चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, और इसे लोग बाइक ऑफ स्कूटर्स भी कहते हैं। और इवन जो इन द टॉप एंड मॉडल एथर एपेक्स आता है उसमें रिसेंटली लोगों ने क्रूज कंट्रोल भी लेकर आ गए जो इन्फिनिट क्रूज है, और देखा जाए तो टू व्हीलर के अंदर क्रूज कंट्रोल के वन ऑफ द बेस्ट इंप्लीमेंटेशन निकाला है। लेकिन बस बात यह कि उनके सिर्फ प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर तक ही मौजूद है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर डेफिनेटली कंसिडर किए जा सकते हैं। इनके अंदर 2.9 किलोवाट आवर में अराउंड 105 किलोमीटर की रेंज है, इवन 3.9 किलोवाट आवर में आपको 130 किलोमीटर प्लस की रेंज इजिली देखने को मिलेगी इसके इको मोड के अंदर। तो यार ये काफी अच्छी चीज है जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है और ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके बाद जिस ब्रांड के बारे में बात करें वो काफी अच्छा है और उसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प, और इसकी जो विडा आती है वो काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है रिसेंटली जब से इसका जो सेकंड वर्जन निकाला है विडा की V2 सीरीज। देखा जाए तो ये स्कूटर उन लोगों के लिए हाईली रिकमेंड हो जाता है जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और जिन लोगों को बार बार चार्ज करने में दिक्कत आती है वो लोगों के लिए रिमूवेबल बैटरी का सिस्टम है जिसके अंदर रिमूवेबल बैटरी को ले सकते हैं, आप अपने साथ फ्लैट में ले जा सकते हैं और उसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं और उसे अपने स्कूटर में ले जाके आसानी से कहीं भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। ये सिस्टम इन्होंने काफी अच्छे तरीके से डेवलप किया। अब V2 सीरीज में देखा जाए तो इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग चीज करी, वो थी बैटरी एज अ सर्विस मॉडल रिड्यूस करना, और इनके जो सस्ते स्कूटर्स थे उस कारण से अपफ्रंट कॉस्ट जो रहती है उनकी काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई, इवन एज लो एज 55,000 रुपीज, जिसके अंदर वीडा की VX2 प्लस और VX2 गो रहते हैं, यहाँ पे आपको बैटरी एज अ सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आपको इंक्वायर करना है कि एग्जैक्टली में स्कूटर कितने का पड़ेगा तो हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम में जाके इंक्वायरी कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे और ये भी बता पाएंगे इसको आप कितना यूज करेंगे तो आपको मंथली रेट यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि बैटरी अभी आपको बेच नहीं रहे हैं, बैटरी एज अ सर्विस यहाँ पे आपको धीरे धीरे मंथली चार्ज करेंगे, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट निकाला। इसके साथ ही देखा तो वीडा में आपको एक V2 लाइट देखने को मिलती है जो 2.2 किलो वाटर बैटरी के साथ आती है, 1 लाख के अंडर प्राइस है, तो इसे आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको राइड के अंदर नॉर्मल मोड और राइड मोड देखने को मिलता है, ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते। इसके बाद इससे प्रीमियम में वीडा की V2 प्लस आपको देखने को मिलती है जो देखा जाए तो काफी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जाता है, जिसके अंदर आपको 143 किलोमीटर की आईडी से रेंज है, 3.4 किलो वाटर बैटरी है और बेसिक फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जो इनका फाइनली जो टॉप एंड वाला मॉडल होता है वो होता है वीडा V2 प्रो, जिसमें सबसे ज्यादा फीचर है और सबसे बड़ी बैटरी दे रहा है, बैटरी का साइज है 3.9 किलोवाट आवर का और यहाँ पे आपको 165 किलोमीटर की आईडी से रेंज मिलेगी। हालांकि इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 1,35,000 के ऊपर पहुंच जाती है एक्स शोरूम, बाकी चीजों के बाद इसकी प्राइसिंग और ज्यादा हो सकती है। लेकिन बात करी जाए तो ये प्रोडक्ट देखा जाए तो सही है इनका रिमूवेबल बैटरी के साथ, हालांकि इनके जो मेजोरिटी प्रोडक्ट जो यहाँ पे बिक रहे हैं वो इनकी V2 लाइन के अंदर जो विडा VX2 गो और जो VX2 प्लस होती है ना वो यहाँ पे ज्यादा बिक रही है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे बजाज का क्या, क्योंकि बजाज का जो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है मार्केट में तेजी से पॉपुलर है और यहाँ पे इनका जो टॉप एंड मॉडल आता है वो आता है बजाज का 3501 यहाँ पे, जिसमें 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी है, मेटालिक बिल्ड है और राइड करने में सेफ है, यहाँ तक कि आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है, सस्पेंशन बहुत मिलते हैं और देखा जाए तो वन ऑफ द नो नॉनसेंस कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो वो स्कूटर हो जाता है यहाँ पे। और चेतक की बात है कि बजाज का ब्रांड नेम लगा है तो इसे लोग काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी ब्रांड यहाँ पे निकल कर आता है। अब बजाज में बात करें तो 3501 के अंदर अराउंड 1,43,000 इसकी प्राइस होती है, हाई स्पीड ज्यादा नहीं 73 किलोमीटर तक ही जाता है, ऑन बोर्ड चार्जर आपको देखने को मिलता है 0 to 80% 3 आवर्स में, 35 लीटर का बूट स्पेस है। यहाँ पर बजाज के अंदर आपको कीलेस एंट्री देखने को मिलती है, इसके साथ ही यहाँ पर आपको IP रेटिंग, हिल होल्डर से सारी चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद उसका सस्ता मॉडल आता है बजाज चेतक में, वो होता है 3502 जिसकी प्राइसिंग 1,29,000 से शुरू होती है, इसके अंदर सेम बैटरी है और सेम रेंज देखने को मिलती है, बस फीचर्स यहाँ पे थोड़े से कम कर दिए गए। और जो एंट्री मॉडल आता है जो उनका सबसे पॉपुलर है वो है 3001, ये मॉडल के अंदर आपको 3 किलोवाट आवर की बैटरी है विद 127 किलोमीटर की आईडी से रेंज और अराउंड 1 लाख इसकी एक्स शोरूम यहाँ पे प्राइस हो जाती है और ये मॉडल का मार्केट में बिकता है। और किसको बस बिल्कुल बेसिक स्कूटर चाहिए मेटालिक बिल्ड के साथ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो बजाज चेतक 3001 को एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं मार्केट में मौजूद दूसरे ब्रांड्स की, जिसमें आता है TVS।
TVS की iQube मार्केट में काफी पॉपुलर है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए। बस आपको अभी स्मार्ट वॉच की कनेक्टिविटी आ गई, कुछ फीचर्स में चेंज आ गए, लेकिन फंडामेंटली प्रोडक्ट सही है। बेसिकली TVS ने बोला है कि कोई चीज अगर हमारी सही चल रही है तो चलने दो, उसको छेड़ो मत ज्यादा। और उसके अंदर आपको 2.2 किलोवाट आवर से 5.1 किलोवाट आवर का ऑप्शन देखने को मिलता है। हालांकि 5.1 वाला थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव यहां लगता है, और जो मेजॉरिटी लोग यहां पे जो TVS iQube लेना पसंद करते हैं वो 2.2 किलोवाट आवर वाला लेना पसंद करते हैं। लेकिन हाल ही में TVS ने अपनी iQube के साथ साथ नई ऑर्बिटर निकाली और वो काफी अच्छी लगती है, जिसके अंदर आपको डिजाइन के अंदर चेंजेस करें, टायर के अंदर चेंजेस करें, इवन इसके अंदर क्रूज कंट्रोल जैसे ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं, सेगमेंटेड LED कलर डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, यहां तक कि 3.1 किलोवाट आवर की बैटरी है, 158 किलोमीटर की IDC रेंज देखने को मिल रही है, और टॉप स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर की। हालांकि ज्यादा हाई स्पीड नहीं है, अभी भी हब मोटर के साथ है, लेकिन एक स्लाइटली बेटर वर्जन आपको देखने को मिलता है। अराउंड 1 लाख रुपीज इसकी प्राइसिंग शुरू हो रही है, और अगर आप एक TVS की तरफ से देखना चाहते हैं तो iQube से बेटर है कि ऑर्बिटर के ऊपर अपनी नजर डाल लीजिए, ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन हो जाता है। इसके साथ ही बात करें कुछ स्टार्टअप्स की, जैसे सिंपल एनर्जी की, तो सिंपल की सिंपल वन और सिंपल वन एस आती है। ये भी एक अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो थोड़े स्पोर्टी डिजाइन के, थोड़े हाई परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, लेकिन एक खास बात है जो दूसरे मार्केट में किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ देखने को नहीं मिलती, वो ये कि फिक्स बैटरी और रिमूवेबल बैटरी दोनों के कंबाइंड सेटअप के साथ आता है। रिमूवेबल बैटरी और देखा तो फिक्स बैटरी एक साथ यहाँ पे इसके अंदर चार्ज होते हैं, बूट स्पेस भी ठीक है और ओवरऑल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। बस बात इधर ये है कि यहाँ पे सिंपल की जो स्टोर्स है नॉर्थ इंडिया में इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते, तो इसको ओवरऑल एक्सपेंड यहाँ पे करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर सिंपल एनर्जी यहाँ पे एक्सपेंड करेगी तो काफी अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे निकाल सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड के मामले में उन्होंने काफी अच्छा स्कूटर यहाँ पे बनाया है। इवन देखा जाए तो रेंज इसके अंदर आपको 5 किलोवाट आवर वाले मॉडल यानी कि फिक्स बैटरी और रिमूवेबल बैटरी दोनों को मिला के 190 किलोमीटर की रियलिस्टिक रेंज भी आप इसमें अचीव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज रहती है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं सिंपल एनर्जी के, सिंपल वन के बारे में। इसके साथ ही रिवर इंडी का भी स्कूटर आते हैं, जिसे SUV ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा बल्की है, इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस देखने को मिलता है, तो ये भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी भी सप्लाई काफी ज्यादा लिमिटेड है। इसके बाद बात करें बाइक्स की, तो मार्केट में जो सबसे पॉपुलर बाइक याद कैसे वो है अल्ट्रावायलेट, जिसके अंदर 7.1 किलोवाट आवर और 10.3 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। धीरे धीरे लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, नॉर्थ में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर सेंटर्स ओपन कर रहे हैं और धीरे धीरे हर शहर में जा रहे हैं, और इसलिए अपनी प्रेजेंस ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब अपने टेसरेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर निकालेंगे तो इजिली ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो। लेकिन अल्ट्रावायलेट के बारे में बात करें तो प्राइसिंग इनकी बाइक्स की थोड़ी ज्यादा है, 3 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है, 4 लाख रुपीज तक जाती है, वो भी एक शोरूम। हालांकि इसके अंदर टॉप परफॉर्मेंस मिलती है, 0-60 से 2.8 सेकंड में जाती है और एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक एक्सपीरियंस देती है, जो कि बिल्कुल ही हाई परफॉर्मेंस वाली बाइक है। फीचर्स वगैरह के मामले में सही है काफी सारी चीजें, इवन इस बाइक के अंदर आपको 10 लेवल ऑफ रीजन देखने को मिलता है। तो कई सारी R&D करी, कई सारी चीजें अल्ट्रावायलेट ने यहाँ पे बनाई है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि अल्ट्रावायलेट अपनी जो नई टेस्टरेट आती है और जो फ्यूचर में इनके प्रोडक्ट आते हैं वो कैसे काम करते हैं। इसके साथ ही बाइक्स के बारे में बात कर रहा था, तो मार्केट में एक मैटर कंपनी की बाइक आती है जिसके आपको गियर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। रिवोल्ट की भी बाइक यहाँ पे ठीक है, लेकिन वो बजट के हिसाब से बाइक है, अराउंड 1 लाख रुपीज के हिसाब से अगर आपको खरीदना है, तो बाकी वहां पर भी कोई ऐसे एक्साइटिंग प्रोडक्ट देखने को नहीं मिला। इवन देखा है तो ओला ने जो अपनी रोडस्टर एक्स निकाली थी उसे भी मार्केट में कोई अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिला। बेसिकली रोडस्टर एक्स का 2.5 किलोवाट आवर से लेके 4.5 किलोवाट आवर वाले वर्जन होते, वो उन्होंने मैंने चलाया, देखा, इतना समझ में आया। बेसिकली ओला ने क्या किया कि यहां पे इनका जो स्कूटर होता है ना उसी के अंदर मॉडिफिकेशन करके वैसा ही उसको स्ट्रक्चर दे दिया बाइक का। उसके अंदर देखा तो अभी भी जो प्रीमियम बाइक्स रहती वैसा फील नहीं आता। हालांकि प्रीमियम बाइक के बारे में बात कर रहा था तो अभी भी नहीं पता जो ओला की ओरिजिनल रोडस्टर और रोडस्टर प्रो जो उन्होंने दिखाई थी वो यहाँ पे कब आएंगी, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में बाइकिंग का यहाँ पे फील आ रहा था। और देखा गया तो बजट में एक सिंपल सजेशन देना चाहूंगा कि सस्ते में इलेक्ट्रिक बाइक लेने का सोच रहे थे तो उसे अवॉइड करो, बेटर है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर लो, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा, ज़्यादा लंबे समय तक साथ देगा। बाइक अगर लेनी इलेक्ट्रिक में तो थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में जाओ, जहाँ पे आपको पावर परफॉर्मेंस और हाई रेंज भी आपको देखने को मिले, ये एक फंडामेंटल चीज़ है। इस वजह से देखा तो मेरे को लग रहा है कि ओला कंपनी, कोई भी कंपनी अगर अच्छी क्वालिटी की बाइक्स निकालेगा जिसके अंदर आपको हाई परफॉर्मेंस मिलेगी वो यहाँ पे निकाल सकता है। और एक कंपनी जिसकी इलेक्ट्रिक बाइक्स का यहाँ पे मैं इंतजार करूँ वो है रॉयल एनफील्ड, जिसकी फ्लाइंग फ्ली पूरा एक ब्रांड यहाँ पे एस्टेब्लिश करो, उसकी बाइक की ऑलरेडी टेस्टिंग यहाँ पे चल रही है मार्केट में, और ऐसा लग रहा है कि एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक का एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो प्रोडक्ट लाएगा वो प्योर प्रीमियम प्रोडक्ट होगा,
ट्राइड और टेस्टेड होगा और हर तरीके से काम यहाँ पे करेगा। तो देखने वाली बात है कि रॉयल इनफील्ड अपनी फ्लाइंग फ्ली के साथ यहाँ पे क्या करती है। तो दोस्तों यार ये कुछ बातें होती है मार्केट में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं उनके बारे में। एक सिंपल सी समरी दे देना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आपको सबसे ज्यादा फीचर रेंज और स्पीड चाहिए ओला इलेक्ट्रिक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको सिंपल सेंस माइंड चाहिए, आपको बेस्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहिए और फिर ज्यादा दिमाग लगाना ना पड़े, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम पे करने को तैयार हो तो एथर एनर्जी काफी अच्छा ऑप्शन है। वीडा की V2 आप देख सकते हैं अगर आप रिवोल्ट बैटरी के साथ उसे लेना चाहते हैं तो, क्योंकि बैटरी एज अ सर्विस तो उसकी अफोर्डेबिलिटी काफी अच्छी हो गई और अफोर्डेबल रेंज में स्कूटर सही है। कंफर्टेबल स्कूटर लेना है बजाज चेतक को आप दे सकते हैं। टीवीएस iQube थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया और टीवीएस ही लेना है तो ऑर्बिटर के ऊपर अपनी नजर डाल सकते हैं। तो दोस्तों यार ये कुछ बातें होती है इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट की, फिर कभी किसी और वीडियो में किसी और चीजों के बारे में बात करेंगे। हालांकि वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग को इसमें से कौन सा स्कूटर पसंद आए नीचे कमेंट बताइए। और हाँ, वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा, कुछ नई चीज जानी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अपने रहने के लिए, मैं आप सुनता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।